हेलो भाई दोस्तों, ये है Redmi का K70 Pro। इससे पहले Redmi का K70e आया था, अभी K70 Pro आया है। तो आज मैं K70 Pro के बारे में कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, K70e में जो था प्लास्टिक की फ्रेम थी, इसमें जो है फ्रेम मेटल की है। ये फोन थोड़ा सा हेवी है मेटल फ्रेम की वजह से। शायद K70e जो था 199 ग्राम था और ये 210 ग्राम है। अगर इसके पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स और बटन आते हैं इसमें। ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल नहीं दिखेगा, लेकिन जो एयरफोन है इसके अंदर एक स्पीकर ग्रिल है और वो भी स्टीरियो स्पीकर्स है। अगर इसकी डिस्प्ले की मैं बात करूं, बेजल्स वगैरह तो पतले हैं इसके और पतली चेन है इसका। 6.67 इंच का 2K प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले आता है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है और HDR 10 प्लस भी है। और इस फोन में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये 2023 का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इसका बेस वेरियंट जो है 12256 का है, 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज होगी। और इसका जो टॉप वेरियंट होगा दोस्तों, 24GB की रैम और 1TB स्टोरेज के साथ होगा दोस्तों। LPDDR5X टाइप की रैम है, UFS 4.0 और 5000 mAh की बैटरी आती है इसमें और 120W वायर चार्जिंग है और ये 20 मिनट में पूरा चार्ज होएगा। और दोस्तों आपको तो पता होगा ये Snapdragon 8 Gen 3 है। और परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या कहूँ, इसमें हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेमिंग कर पाओगे जो भी आपने खेलना है इसमें। दोस्तों अगर इसके OS के बारे में बात करूँ तो इसमें HyperOS आता है Xiaomi का। इसका बेस जो है 114 है। अगर सेंसर के बारे में बात करूँ तो सभी सेंसर आते हैं इसमें। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और कनेक्टिविटी के ऑप्शन सारे है इसमें। NFC है, IR ब्लास्टर है इसमें और मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं और इसमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट है। ऑडियो भी अच्छा है तो मल्टीमीडिया के लिए काफी जबरदस्त हो सकता है। डिस्प्ले 4000 की पीक ब्राइटनेस है इसका और ये काफी अमेजिंग है। सबसे ब्राइटेस्ट फोन है ये 2023 का, तो मल्टीमीडिया के लिए ये फोन काफी जबरदस्त है। अब दोस्तों, के सीरीज जो होती है ये परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, एक कैमरा के लिए नहीं है। अगर इसके कैमरे की मैं बात करूँ, 50MP का OIS कैमरा है और 12MP का अल्ट्रा वाइड है और 50MP का टेलीफोटो है जो आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है। वीडियोग्राफी में आप 8K तक शूट कर पाओगे और 4K 60fps तक। और सेल्फी जो है इसका 16MP का है। इसके जो पुराने मॉडल है उन सब में 16MP का सेल्फी है, इसमें भी सेम वही है, लेकिन सेल्फी में आप 4K तक रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, 1080p 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकोगे। इस कीमत पे दोस्तों मैं कहूंगा कि इसका कैमरा अच्छा है, रिजल्ट इसका अच्छा है इसके पुराने मॉडलों से। तो दोस्तों इस फोन की अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे काफी अच्छा लगा ये फोन इस प्राइस पे जो ऑफर कर रहा है आपको, जबरदस्त है। और ये सीरियसली ओनली फॉर मनी फोन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।